हो श्रीमान जी, ओ श्रीमती जी। सुनो सुनो एक बात पते की, बात पते की, अरे बात पते की, लाख टके की, लाख टके की। घर की बीबी दान की जैसी, घर की बीबी दान की जैसी, और की बीबी जैसी है मुर्गी। क्यों श्रीमान जी, प्यारी श्रीमती जी। मामी मामी मामी, क्या है चिट्टू? कल ना मौसी ने ना मिठाई भेजी है। किस खुशी में? अरे उनके बड़े लड़के को नौकरी लग गई ना। अच्छा? हाँ, और उसने अपनी पहली तंगा उसकी मम्मी को दी। अरे वाह, वेरी गुड। चिंटू, तू जब बड़ा होकर नौकरी करेगा तो तेरी तनख्वाह मुझे ही देगा ना? हाँ मम्मी, आपको ही दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? अब मुझे एक बड़ा भाई दे दो ना। बड़ा भाई नहीं रे, लेकिन छोटे भाई के बारे में सोचा जा सकता है। नहीं मम्मी, फिर तो मुझे बेबी सिटिंग करना पड़ेगा। तुम दोनों के बीच में, और तुमने ये काला चश्मा क्यों लगा के रखा है? अरे उस बेचारी की आंखें आई है केशु। क्यों, इसके पास पहले आंखें नहीं थी क्या? केशु गंजन की वाइटिस हो गया उसे। ओहो, दूर खड़ा रहे, दूर खड़ा रहे। काश हमें कोई जवान बेटा होता तो कैसा होता। क्यों, ये इतना बड़ा गोलमोल के तोल बेटा काफी नहीं है क्या? चुप हो जा। मेरे कहने का मतलब, कोई हमारा जवान बेटा होता तो वो नौकरी करने जाता, उसकी तनख्वाह मुझे देता तो कैसा लगता। छोड़ो छोड़ो, आजकल के बेटे तो अपने माँ बाप की तनख्वाह छीन लेते हैं। कोई जवान बेटा हमारा होता तो तुम्हें कैसे लगता, बताओ ना। मुझे कैसा लगता? हाँ, बताओ। मुझे ऐसा लगता कि तुम बूढ़ी हो गई हो। केशु, निकालो निकालो। स्टोरी ऑफ टू लेडीज, लेडीज, वन गुड लेडी, वन बैड लेडी। वंस अपॉन अ टाइम इन वन विलेज, वन गुड लेडी वॉज गोइंग ऑन वन बाइसिकल। सडनली वन टायर ऑफ द बाइसिकल गॉट पंचर्ड एंड शी फेल डाउन। देन द बैड लेडी केम एंड सेड, दिल डॉल। मेरे किसी का फोन आया, उसे कहना कि 10 मिनट के बाद फोन करे। ओके, क्यों? मैं नहाने जा रही हूँ इसलिए। लेकिन बाथरूम में तो साबुन ही नहीं है। अब गॉड, फिर मैं नहाऊंगी कैसे? तुम एक काम करो, हाँ? तुम कपड़े धोने का साबुन इस्तेमाल कर लो। कपड़े धोने का साबुन? हाँ। फिर मुझे टब में नहीं, वॉशिंग मशीन में नहाना पड़ेगा। फिर मैं तुमको सूखने के लिए बाहर बालकनी में डाल दूंगा। मैं नहाऊंगी कैसे अब? मैं बताता हूँ, हाँ। शावर को ऑन करो, हाँ। उसके नीचे खड़ी हो जाओ, हाँ। कोई भी अच्छा सा गाना गाओ, ला 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 ला। फोन करके साबुन मंगाओ प्लीज। मंगाता हूँ बाबा, मंगाता हूँ। हेलो, हाँ जी, गुप्ता ग्रोसरी शॉप से बोल रहे हैं? अपन कौन? गुप्ता जी, हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ दिलरुबा जी, फ्रॉम 21B मांगे नगर। हाँ जी, वो हमने साबुन तेल वगैरह का ऑर्डर दिया था, पहुँचे कि नहीं अब तक? हाँ जी, आने वाला है। अच्छा सुनिए, जो साबुन भेजेंगे ना आप, वो साबुन मत भेजना जिसकी एड फिल्म में डॉल ने काम किया था। वो एड में बोलते तो हैं कि साबुन से बाल आते हैं, लेकिन मेरी तो सारी बॉडी के बाल निकलने शुरू हो गए उस साबुन से। अगर मैं ऐसे नहाता रहा थोड़े दिनों में मेरी बॉडी गंजी हो जाएगी। अच्छा, क्या निकल गया लड़का सामान लेके निकल गया है? हाँ जी, लेकिन पहुंचे को नहीं अब तक? पहुंचे वाला होगा, नवा मुंडा है, अभी गाँव से आया है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू जी। हाँ, पैसे भेज देंगे। ओके जी, आ रहा है, आ रहा, सब सामान आ रहा, साबुन भी आ रहा है तुम्हारा। लेकिन कब आएगा? आने वाला है मेम साहब, गुप्ता जी के यहाँ से सामान आया है। जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? केकू जी? नहीं मेम साहब, हम केकू जी नहीं है, हम तो कल्लूराम है, सामान पहुँचाने वाले लड़के। केकू जी, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? कुछ आपने कोई पार्ट टाइम जॉब ले ली है क्या? फुल टाइम, फुल टाइम। लता शर्मा जी ने इसे नौकरी से निकाल दिया है। अच्छा मैम साहब, बताइए सामान कहाँ रखूं? अच्छा चलो, हटिए मैम साहब। मैम साहब नहीं हूँ, मैं तो साहब हूँ। माफ करना, हम गांव से पहली बार आए हैं इसलिए हमको पता नहीं चला। क्या गांव में क्या हमारे जैसे मर्द नहीं होते हैं क्या? नहीं, ऐसे मर्द तो हमने कभी नहीं देखे, और इस शहर में तो मर्द कौन है और औरत कौन है पता ही नहीं चलता। चलो हटो ना, क्यों चले की बोली की तरह बीच में खड़े हो, हटो, सामान रखने की जगह तो जाओ। केकू जी है, केकू जी का कोई हमशक्ल होगा। हमशक्ल भी है और केकू की तरह बेअकल भी है।
और मेरा दिल कहता है हो ना हो दिस इज केकड़ा। प्रेमा जी, गुड मॉर्निंग प्रेमा जी। साहब साहब हमने सामान रख लिया। हिश, हिश, हिश। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। केशव तेरे जैसा दूसरा नमूना दुनिया में हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता क्योंकि कुदरत एक ही गलती बार बार नहीं करती। क्यों, कुदरत ने तुझे पैदा नहीं किया? मुझे तेरी गलतियां सुधारने के लिए पैदा किया है। एक बात बता, तेरा हम शक्ल है कौन? अरे वो हमारी गली के नुक्कड़ पे गुप्ता का स्टोर है ना। अच्छा, उस गुप्ता के स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम करता है। अभी अभी नया नया गाँव से आया है। तू जानता है गोखले, आज सुबह सुबह प्रेमा जी उसे देखकर समझ बैठी कि वो मैं हूँ। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि उसे टिप मिलती है। अच्छा एक बात बता गोखले, मेरे हम शक्ल से मुझे कोई खतरा तो नहीं ना? कोई नहीं। हाँ, जब तक कोकी भाभी उस गुप्ता की दुकान से सामान नहीं मंगवाती। क्या मतलब? अबे वो तेरा हम शक्ल है ना। तो क्या हुआ अगर वो तेरे घर पहुंच गया और कोकी भाभी उसे केशव समझ बैठी तो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कॉफी जी, सच कह रहा हूँ। अच्छा मैं आपकी कसम खा के बोलता हूँ कि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल केकू जी से मिलती है। आपकी कसम रूबा जी, कसम अपने गले पर हाथ रखकर खाई जाती है। सॉरी मैं आप समझ गई, आगे बोलिए। आगे क्या बोलूँ? अरे हम लोग तो केकू जी समझ के उसका मजाक उड़ा रहे थे कि केकू जी खुद ऊपर से आगे वहाँ पर। अच्छा, लेकिन वो लड़का है कहाँ? वो गुप्ता ग्रोसरी शॉप में डिलीवरी बॉय का काम करता है। अभी अभी मैंने उसी शॉप से कुछ सामान मंगवाया है। अच्छा, ये गुप्ता ग्रोसरी से सामान आया आपको? हाँ, जाकर अंदर रखो, अंदर रखो, अंदर रखो, अंदर रखो। अच्छा अंदर रखता हूँ। देखा आपने रूबा जी, ये बिल्कुल केशव जैसा दिख रहा है ना? मैम साहब, वो सामान अंदर रख दिया है। गुप्ता जी बाद में बिल भेज देंगे। हाँ केशव, केशु नहीं, मेरा नाम केशु नहीं, मेरा नाम तो कल्लू है। और माँ, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। ये तुम्हारी माँ कैसे सकती है? ये कितनी छोटी है तुमसे। अच्छा छोटी है तो क्या हुआ, उसने दूसरी बार जन्म लिया होगा। नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, ये मेरी माँ है। नहीं माँ नहीं, दादी ने मेरी माँ को ऐसे धक्का मार के कुएं में धकेल दिया था। धक्का मार के माँ, मेरी माँ, माँ है मेरी माँ। जिस दिन से थाने में आए हैं कुलीग्स को छेड़ते हैं, हवलदारों की बेइज्जती।